अजीब बातें कर रहे हैं आप भी। और कितना वक्त चाहिए आखिर उसको? आपको नहीं पता, बहाने कर रहा है शादी को टालने के लिए। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आप जानती होंगी, लेकिन अगर उसने कोई वक्त मांगा है तो उसे वक्त तो देना होगा ना। अगर वाकई वो मोहब्बत करता है उससे तो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शादी करा दें बस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निकाह के दो बोलों में बड़ी ताकत होती है कदीर साहब। तलाक के एक बोल में उन दो बोलों से ज्यादा ताकत होती। जहां ताल्लुक में दिल ना हो ना, वहां दिल आजारियां होती हैं, सारी जिंदगी की ख्वारी होती है। ये जो निकाह के दो बोलों वाली बात ड्रामों में अच्छी लगती है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आ सकते हैं अपने बेटे की बातों में, मैं नहीं आने वाली, मैं बता रही हूँ आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या हुआ भाई? मेरी जॉब लग गई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। ये लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो तुम्हें खाओ। तुम्हारी बॉस तो कोई औरत लग रही मुझे। वही हुई ना जहाँ पे इंटरव्यू दिया था। जी अबू। और तंखा क्या बताइए? अरे सब बताता हूँ, आप मुंह तो मीठा कीजिए। जोया, वो ना मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस बात की माफी मांगनी थी? उस दिन जुनैद भाई को तुम्हारे साथ देख लिया था ना, ऐसे ही बिलावजह तुम्हें इतनी बुरी बुरी बातें बोल दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे कोई बात क्यों नहीं है जोया, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, वो भी स्पेशली तुम्हें। दरअसल मुझे पता नहीं था ना तुम इतनी पुरानी खिलाड़ी हो। सुना है तीन रातें बाहर भी गुजार कर आई हो, किसी के साथ भाग गई थी। ओ, धोखा दे गया जालिम। तुमने सही सुना है, किसी ने मुझे धोखा दे दिया और तीन रातें वाकई मैं बाहर गुजार कर आई। बड़े आराम से बोल रही हो तुम तो भाई, वाकई बड़ी बेशरम हो। नहीं मैं बेशरम नहीं हूँ, लेकिन बेशरम और बेगैरत लोगों की बातें सुनने की मुझको आदत हो गई है। तुम मुझे बेशरम कह और बेगैरत भी कह रही हो। जो लोग दूसरों के मामलों में घुसते हैं उसके लिए इससे कोई गंदा लफ्ज होता ना तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। और जो दूसरों के घर में जबरदस्ती घुस के बैठ जाते हैं उनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? तुम्हारी माँ का तो समझ आता है, मेरे बाप को फंसा कर निकाह करके बैठ गई। तुम यहाँ क्यों हो? क्यों यहाँ मरी पड़ी हुई हो? तुम्हारे बाप का घर है क्या ये? हेलो, नीयत नहीं है तुम्हारी बात करने की?